नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तीन चुनावी रैलियां की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चुनौती कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस बयान के जवाब में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू के लोकतंत्र की वजह से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, जिसके लिए परिवार पहले और देश बाद में है। लेकिन उनको लगता है कि अंग्रेज उनके परिवार के नाम पर हिंदुस्तान लिख के गए थे और चार चार पीढ़ी हमारे हाथ में रहा। उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है कि गरीब माँ का बेटा उनको अंग्रेजों ने जो विरासत में दी थी उस राजगद्दी पर बैठ कैसे गया। मध्य प्रदेश के सागर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार से जुड़े लोग ही प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस के अंदर आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना है, तो गांधी नेहरू परिवार के अंदर जन्म लेना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में टिकट बंटवारे का झगड़ा सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। इस मसले पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। राहुल जी का निर्देश है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, वो प्रक्रिया चल रही है, कोशिश जारी है और मैं समझता सब कुछ ठीक है। कल राजस्थान में कांग्रेस के 152 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर का घेराव किया था और जयपुर, बीकानेर, कोटा समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। इसके पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में तीन चुनावी रैलियां की। मध्य प्रदेश के सागर में राहुल गांधी ने नोटबंदी को फिर देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया और वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोगों के जेब में हाथ डालकर उनका पैसा निकालकर हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों के जेब में डाला है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में सीबीआई की छापेमारी और जांच पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई केंद्रीय जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल में जांच नहीं कर सकती। इससे पहले आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई पर राज्य में छापेमारी और जांच पर रोक लगा दी थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की, जिसके मुताबिक सीबीआई को किसी भी तरह की जांच से पहले प्रदेश सरकार से इजाजत लेनी होगी। फैसले पर मुख्यमंत्री नायडू ने दलील दी है कि सीबीआई अब अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नायडू के इस कदम का समर्थन किया है। ममता ने कहा कि आंध्र में सीबीआई को बैन करके उन्होंने सही काम किया है, क्योंकि सीबीआई को बीजेपी से निर्देश मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट पर सोमवार तक जवाब देने को कहा है। अब आलोक वर्मा को जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब सोमवार तक सील बंद लिफाफे में ही देना है और फिर मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देगा और उनकी आखिरी दौर पर उनके करियर में ये ढपा लगने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई इजाजत नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सीवीसी की रिपोर्ट देने से मना कर दिया है। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर 2 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया था। सीवीसी ने इस केस की जांच रिपोर्ट 12 नवंबर को सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। धर्मांतरण को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर विवाद हो गया है। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में योगी ने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकारों में इटली के सौदागरों ने धर्मांतरण कराया। इटली से आयातित सौदागरों के माध्यम से धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी चरम पर चल रही थी। इन माफियाओं को देख करके मुझे इटली की याद आती है। माफिया शब्द ही इटली से आया है। इसी सभा में योगी ने देश में माफिया राज के लिए भी इटली को जिम्मेदार बताया था। कांग्रेस ने धर्मांतरण पर योगी के बयान को झूठ
और ध्रुवीकरण की साजिश बताया। योगी हो चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह, इनके चाल चरित्र और चेहरे को सब जानते हैं कि चुनाव में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस के भाव, महिला सुरक्षा, ये तमाम इनके लिए मुद्दे नहीं रहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली बीजेपी की रथ यात्रा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रावण यात्रा कहा है। कोलकाता में ममता ने कहा कि 19 जनवरी से उनकी पार्टी लोकसभा के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। ममता ने कार्यकर्ताओं से बीजेपी की रथ यात्रा पर ध्यान नहीं देने की अपील की। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बीजेपी की रथ यात्रा के बाद उनकी पार्टी उन्हीं रास्तों पर पवित्र यात्रा निकालेगी। रावण यात्रा जब हो जाए তার পরের দিনই ওই রূপ নিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা পবিত্র রাস্তাকে পবিত্র করবে, পবিত্র যাত্রা, শান্তি যাত্রা, একতা যাত্রা হবে। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 5 दिसंबर से रथयात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी की रथयात्रा पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों में जाएगी। राम मंदिर को लेकर आरएसएस ने 1992 जैसे आंदोलन के संकेत दिए हैं। वाराणसी में संघ का 6 दिन का मंथन आज खत्म हुआ। सूत्रों के मुताबिक संघ ने तय किया कि मंदिर के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। बैठक में रणनीति बनी कि राम मंदिर के जल निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। 25 नवंबर को अयोध्या धर्म संसद के लिए आरएसएस माहौल तैयार करेगा। राम मंदिर के लिए आरएसएस देश में 1992 जैसा जन समर्थन तैयार करेगा। तो अब कोई रास्ता नहीं रह गया, स्थिति बन गई है अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अयोध्या में अब मंदिर नहीं बना तो फिर कभी भी मंदिर नहीं बन सकता। वाराणसी में ही वीएचपी की भी बैठक हुई जिसमें 25 नवंबर की रणनीति बनी। पूरी योजना बैठक के साथ ये तय हो गया है कि अयोध्या में यहाँ से 5 से 10 हजार की कम से कम संख्या में सभी लोग पहुँचेंगे। वाराणसी में योग गुरु रामदेव ने कहा कि राम मंदिर पर आंदोलन से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, कानून बनाकर ही स्थिति को टाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से इतना विलंब हो रहा है, वहाँ से कोई मार्ग दिखता नहीं है, तो एक ही विकल्प बचता है, संसद में कानून बना करके और मंदिर बनाए। अध्यादेश का दबाव बनाने के लिए वीएचपी सभी सांसदों से संपर्क अभियान शुरू करने वाली है। संसद का शीत सत्र 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक है। राम मंदिर निर्माण को लेकर आरएसएस वीएचपी की तैयारियों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में अखिलेश ने बीजेपी आरएसएस पर धार्मिक नक्सलवाद फैलाने का आरोप लगाया। धार्मिक और जातिवादी जो नक्सली हैं, वो इस देश को बांट देंगे, इस देश को बर्बाद कर देंगे, ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। धार्मिक आंदोलन को धार्मिक नक्सलवाद बताने पर बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया। सबसे ज्यादा खतरा तो देश में परिवारवादियों से है। इस देश को के लोकतंत्र को जो परिवार के तौर पर लोग कब्जा कर लेते हैं, उससे देश को ज्यादा खतरा है। अखिलेश यादव जी भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। अलकायदा के कमांडर आतंकी जाकिर मूसा के पंजाब में दाखिल होने का अंदेशा है। जाकिर मूसा को अमृतसर में देखे जाने का इनपुट मिला है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उसके पोस्टर रिलीज कर दिए हैं। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਾੜੀਆਂ ਕੀ ਕੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਕਰਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਮੇਂ ਘਬਰਾਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। कल ही पंजाब पुलिस ने जैश के 6 से 7 आतंकियों के पंजाब में घुसने पर अलर्ट जारी किया था। इससे पहले जम्मू से कार छीनकर भागे 4 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की गई थी। तमिलनाडु में गज तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं, जबकि 76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। गज तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान नागापट्टिनम में हुआ है, कई मकान तबाह हो गए, कई पेड़ उखड़ गए। तमिलनाडु में गज तूफान से कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। गज तूफान शुक्रवार सुबह तमिलनाडु के पंबन और कडनोर के तट पर टकराया था, तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। नागापट्टिनम और वेदारण्यम के अलावा तंजावुर, पुद्दुकोटई,
रामनाथपुरम और पुद्दुचेरी में तूफान का सबसे ज्यादा असर हुआ है। अभी तमिलनाडु में मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। आरएसएस के पथ संचलन में लाठियों के इस्तेमाल पर नागपुर की अदालत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जीवनलाल जबलपुरिया ने पथ संचलन में लाठियां लेकर चलने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि 28 मई के वार्षिक पथ संचलन के लिए आरएसएस ने लाठियों के इस्तेमाल की पुलिस से इजाजत नहीं ली थी। नागपुर की सेशन कोर्ट इस पर 11 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी। आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े बयान से, और ये बयान उन्होंने दिया है परिवारवाद पर। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या परिवारवाद एक बार फिर से चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां की हैं। वो कल ही सिंगापुर से लौटे हैं और आज वो चुनाव प्रचार में जुट गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दी है, और वो चुनौती ये है कि वो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाकर दिखाए। अगर आपके उसूलों के कारण, आपके लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा के कारण, संविधान में आपकी भूमिका के कारण अगर आप दावा करते हैं कि पंडित नेहरू के कारण अगर मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, अरे देश छोड़ो, एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। और मैं जानता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि परिवारवाद से देश बाहर निकले, ये राज परिवार बन बैठे हुए उनसे बाहर निकले, ये देश के लिए आवश्यक है। लेकिन चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसके लिए वो 125 करोड़ देशवासियों को क्रेडिट देने के लिए उनकी अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिणाम है, उसके लिए भी नेहरू को ही क्रेडिट देने का मन करता है। तो अब आपने देखा कि चुनाव प्रचार अब गर्माने लगा है, और नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से गांधी परिवार पर अपना हमला बोला है, और उन्होंने खुली चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी को कि वो परिवार के बाहर से कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर चोट की है, और साथ ही अब फिर से मुद्दा वही आ गया है कि एक तरफ चाय वाले वाला मुद्दा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि राज दरबार है, यानी एक तरफ चाय वाला है और दूसरी तरफ राज दरबार है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाले पीएम की चुनौती कांग्रेस को कबूल, कांग्रेस कब बनाएगी गैर गांधी अध्यक्ष, राज दरबारियों के खिलाफ 2019 का रण, 5 राज्यों के चुनाव के लिए सियासी माहौल गर्मा गया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के परिवारवाद पर सीधा हमला बोला, कहा लोकतंत्र ने किसी एक परिवार को ठेका नहीं दिया है। अगर आप दावा करते हैं कि पंडित नेहरू के कारण अगर मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक चाय वाले को पीएम बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को है। परिवारवाद से देश बाहर निकले, ये राज परिवार बन बैठे हुए उनसे बाहर निकले, ये देश के लिए आवश्यक है। लेकिन चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसके लिए वो 125 करोड़ देशवासियों को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर मध्य प्रदेश से हमला बोला। कांग्रेस के अंदर आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना है, तो गांधी नेहरू परिवार के अंदर जन्म लेना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी गरीब घर के अंदर आप जन्म लेते हो तो भी आप योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकते हो। पीएम मोदी को चाय वाला कहकर 2014 में भी कांग्रेस घिर चुकी है। तब मणिशंकर अय्यर के बयान पर हंगामा हुआ था, लिहाजा अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर रहना चाहती है। आप प्रधानमंत्री हैं, बन गए हैं, तो आपको ये काम छोटा लगने लग गया क्या कि जरा किसी ने चाय वाला बोल दिया आपको पीड़ा हो गई? क्यों भाई, क्या गलत है? आप चाय वालों का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप जिम्मेदारी अपनी समझिए, आप अपना काम करिए। इन पांच प्रदेशों की लड़ाई इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जो जीतेगा पांच प्रदेश 2019 में, वही जीतेगा देश। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये खबर आपको इसलिए दिखाई ताकि आप इस बार समझ जाएं कि चुनाव प्रचार कैसा होने वाला है और इस बार चुनाव दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कितने जबरदस्त तरीके से वो लड़ने वाले हैं। लेकिन बात फिर से वहीं आ गई, एक तरफ चाय वाला प्रधानमंत्री है और दूसरी तरफ राज परिवार से आने वाले लोग हैं, यानी राज दरबार है। अब हम सीबीआई में चल रहे गृह युद्ध का विश्लेषण करेंगे। आज पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस सुनवाई के बाद अदालत ने कोई फैसला तो नहीं दिया लेकिन कुछ बड़ी टिप्पणियां जरूर की हैं जो शायद आलोक वर्मा के पक्ष में ना जाएं। इसलिए आज सबसे पहले इस सुनवाई का विश्लेषण करना जरूरी है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी को आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए के पटनायक की अध्यक्षता में हुई ये जांच 10 नवंबर को पूरी हो गई थी और सोमवार को यानी 12 नवंबर को सीवीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट जमा कर दी थी। इस रिपोर्ट से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में फिलहाल आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं दी है, क्योंकि सीवीसी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अदालत ने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आलोक वर्मा के लिए तारीफ के काबिल नहीं है और कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कुछ गंभीर आरोपों की जांच करवाए जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा के बारे में कुछ ना कुछ बात ऐसी पाई है जिस पर उन्होंने इतनी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने आलोक वर्मा के वकील को इस रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया है और यह कहा कि जब आलोक वर्मा रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपना जवाब देंगे तो फिर अदालत इस पर सुनवाई करेगी। आलोक वर्मा को सोमवार यानी 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना है और फिर अगले दिन मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के वकील की तरफ से भी इस रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई लेकिन अदालत ने यह कॉपी उन्हें देने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से बहुत दिलचस्प टिप्पणियां आज की गई हैं और इनके बारे में भी आज आपको पता होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में तो मौजूद नहीं थे लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि अंदर अदालत में क्या क्या हुआ। जब अदालत ने आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को सीवीसी की रिपोर्ट की कॉपी सौंपने का आदेश दिया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि उनके पास जांच रिपोर्ट की कॉपी नहीं है। तुषार मेहता सीवीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि आप कौन हैं? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि वो सीवीसी की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो खुद इस रिपोर्ट के ऑथर हैं, यानी रिपोर्ट आपने ही तो तैयार की है क्योंकि ये रिपोर्ट सीवीसी की तरफ से आई है और इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आपने ही ये रिपोर्ट नहीं देखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से इसका जवाब दिया गया कि उन्होंने ये रिपोर्ट वाकई नहीं देखी है क्योंकि अदालत ने सीवीसी को सील्ड कवर में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने सीवीसी के वकील तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को भी इस रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया और सभी को रिपोर्ट की गोपनीयता बरकरार रखने को कहा ताकि सीबीआई की छवि को कोई नुकसान ना पहुंचे।
इसके बाद सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के वकील ने इसी रिपोर्ट की कॉपी मांगी, लेकिन अदालत ने उन्हें देने से भी इनकार कर दिया। राकेश अस्थाना भी ये पढ़ना चाहते थे कि इस रिपोर्ट में, जो कि आलोक वर्मा के बारे में सीवीसी ने भेजी है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। राकेश अस्थाना की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया कि राकेश अस्थाना शिकायत करता है, इसलिए उन्हें भी इस रिपोर्ट की कॉपी मिलनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा नो चांस, आपको इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के डिप्टी एसपी ए के बस्सी ने भी अपने ट्रांसफर के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। बस्सी की तरफ से उनके वकील राजीव धवन पेश हुए। राजीव धवन ने ए के बस्सी के ट्रांसफर पर सवाल उठाए तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि उनका ट्रांसफर कहां हुआ है। इस पर राजीव धवन ने कहा पोर्ट ब्लेयर। ये सुनकर चीफ जस्टिस ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर अच्छी जगह है, वहां कुछ दिन और रहिए। इसके बाद कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मशहूर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। खड़गे ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ अपनी खुद की एक याचिका दायर की हुई है। आज सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कौन हैं, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मिस्टर खड़गे की तरफ से पेश हुए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने चुटकी लेते हुए कहा ओ विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी पार्टी के नेता, हम तो आपको भूल ही गए थे। अदालत के इस मूड को भांपते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके क्लाइंट की याचिका भी बाद में सुनी जाए। इसके अलावा कॉमन कॉज एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने भी यह दावा किया कि सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने नीतिगत फैसले लिए हैं, लेकिन वकील दुष्यंत दवे नागेश्वर राव के कथित फैसलों की कोई लिस्ट अदालत में पेश नहीं कर पाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव द्वारा नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अदालत ने दुष्यंत दवे से कहा कि हम ये मानते हैं कि उन्होंने कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया है, क्योंकि आपने फैसलों की कोई लिस्ट अदालत में पेश नहीं की। नागेश्वर राव अदालत को पहले से ही 23 से 26 अक्टूबर के बीच लिए गए फैसलों की जानकारी दे चुके हैं। वो जो रिपोर्ट सीवीसी को देने के लिए बोला गया था, जो कि पिछले सोमवार को दी गई थी, इस सोमवार को वो उन्होंने पढ़ ली थी जजों ने, और उन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट में कई चीज़ें आलोक वर्मा के हक में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके खिलाफ भी लिखी गई हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में बोला है कि अभी और उनको इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। जस्टिस पटनायक, जिनको सुपरवाइज करने के लिए बोला था, उन्होंने बस ये बोला है कि उन्होंने वो इंक्वायरी के दौरान थे वहाँ पर, और उन्होंने कोई अलग से अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, जो सीवीसी की रिपोर्ट है वो है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये रिपोर्ट श्री आलोक वर्मा को दी जाएगी सील्ड कवर में, और सरकार को भी दी जाएगी, और श्री आलोक वर्मा उस रिपोर्ट के जवाब में जो कहना चाहें कह सकते हैं, और उनके काउंसिल ने बोला कि सोमवार तक वो अपना जवाब दे देंगे, और उसके बाद ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को इस केस की आगे सुनवाई होगी। राकेश अस्थाना ने भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो देने से मना कर दिया। आलोक वर्मा को मैं जानता हूँ, और वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, तब से जानता हूँ, और उसके कामकाज से हम बहुत संतुष्ट थे। वो किसी के दबाव में नहीं आए, और सीबीआई डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने बहुत कुछ किया, अच्छा काम किया, उसको किसी तरीके से हटाने की बहुत प्रयास हुई। तो मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देगा, और उनकी आखिरी दौर पर उनके करियर में ये ढपा लगने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई इजाज़त नहीं देगी। देखना होगा कि उस रिपोर्ट के ज़रिए वर्मा जी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितना सब्सटेंस है।
आस्थाना के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में कितना सब्सटेंस है, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के विचार क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट चाहे सीवीसी की कुछ भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सीवीसी की रिपोर्ट जो है वो उससे सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरह से सहमति दर्शाएगी और सुप्रीम कोर्ट उस मुताबिक आदेश दे देगी। सुप्रीम कोर्ट खुद इन तमाम चीज़ों को जाँचने के बाद में सीबीआई के हित में क्या है, संवैधानिक संस्था जो सीबीआई इतनी बड़ी भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको संभालने के लिए, उसका जो डिटोरिएशन हो रहा था पिछले दिनों में उसको रोकने के लिए और उसमें दोबारा जान डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट उचित आदेश देगी। अभी तक अदालत में जो भी जांच रिपोर्ट फाइल की गई है वो सील बंद लिफाफे में दी गई है, और आज भी अदालत ने जिन तीन याचिकाकर्ताओं को सीवीसी की जांच रिपोर्ट दी है उनसे ये कहा गया है कि जांच रिपोर्ट की गोपनीयता बरकरार रखी जाए ताकि सीबीआई की छवि पर कोई आंच न आए। लेकिन विडंबना यह है कि इस पूरे मामले की वजह से सीबीआई की छवि पहले ही बहुत खराब हो चुकी है और उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसलिए अब सीवीसी की रिपोर्ट को छुपाने से भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, और वैसे भी आजकल जिस तरह का समय चल रहा है आप हैरान मत होइएगा, हो सकता है एक दो दिनों में यह रिपोर्ट भी मीडिया में लीक हो जाए। लेकिन इससे भी एक और बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। इस पूरे विवाद के बाद एक नया अपडेट यह है कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में सीबीआई की छापेमारी और जांच पर रोक लगा दी है। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके मुताबिक सीबीआई को जांच राज्य में किसी भी तरह की जांच के लिए राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। यह एक गोपनीय आदेश था जिसे आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से 8 नवंबर को जारी किया गया था। लेकिन यह आदेश गुरुवार की रात को लीक हो गया। इस आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सीबीआई को राज्य में कानून के तहत शक्तियों के इस्तेमाल के लिए दी गई सामान्य रजामंदी यानी जनरल कंसेंट वापस ले ली है। दूसरे राज्यों में सीबीआई वहां की सरकारों की आम सहमति के आधार पर ही कार्रवाई कर सकती है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसी साल अगस्त में सीबीआई को अपने राज्य में कार्रवाई करने के लिए आम सहमति दी थी, लेकिन एनडीए से अलग होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार सीबीआई को अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। फैसले पर चंद्रबाबू नायडू ने यह दलील दी है कि सीबीआई अब अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नायडू के इस कदम का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में सीबीआई को बैन करके उन्होंने सही काम किया है क्योंकि सीबीआई को बीजेपी से निर्देश मिलते हैं। और इसके बाद सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भी ठीक ऐसा ही आदेश पास कर दिया है जिसके मुताबिक अब कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी बिना पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति के पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी जांच नहीं कर पाएगी। अब इस खबर का मतलब आप समझिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत एक देश है लेकिन एक ही देश में अलग अलग राज्य अगर अलग अलग कानून लागू करने लगेंगे तो इस देश की अखंडता पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून नहीं चल सकते। अब आप सोचिए कि देश अगर ऐसे अलग हिस्सों में बट गया जहां सीबीआई किसी हिस्से में जांच कर सकती है और किसी हिस्से में घुस भी नहीं सकती तो क्या होगा। ऐसे में कोई राज्य यह भी कह सकता है कि भारत की सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे जो संस्थान हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो उस राज्य में अपना काम नहीं कर सकते, छापे नहीं मार सकते। अब आप सोचिए अगर किसी राज्य ने सेना के अपने यहां प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी तब क्या होगा। केंद्रीय रिजर्व जो हमारी पुलिस है CRPF, अगर उसके घुसने पर पाबंदी लगा दी तब क्या होगा। इनकम टैक्स की छापामारी पर अगर पाबंदी लगा दी तब क्या होगा। इसलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है और साथ ही बहुत खतरनाक खबर है। ये ऐसी खबर है जो पूरे देश में जहर फैलाने का काम करेगी।